पूर्वी उत्तर रेलवे मंडल के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा और डीआरएम आशुतोष पंत मंगलवार की सुबह 11:15 बजे स्पेशल ट्रेन से काजगंज जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने जंक्शन का बारीकी के साथ निरीक्षण किया और वहां मिली खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान काजगंज के व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष सतीश गुप्ता, अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने रेलवे महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा और डीआरएम आशुतोष पंत से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी मांग रखते हुए बताया कि काजगंज से सहावर गेट इलाके के फाटक संख्या 310 पर ओवरब्रिज न होने के चलते आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। इसके अलावा काजगंज जंक्शन पर दिव्यांगों के लिए फुट रोड बनाए जाने और नदरई गेट रेलवे पुल के पास लंबित पड़े अंडरपास को बनाए जाने की व्यापारियों ने मांग रखी। रेलवे महाप्रबंधक ने व्यापारियों को भी उनकी समस्या के समाधान को लेकर आश्वस्त किया। इसके अलावा रेल महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि हमारे द्वारा इज्जत नगर से मथुरा तक निरीक्षण किया जा रहा है, पटरियों को चेक किया जा रहा है, मथुरा काजगंज को चेक किया गया है। काजगंज में यात्रियों की सुविधाएं पूरी तरीके से ठीक पाई गई, जो कमियां हैं उन्हें ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा है कि हमारा निरीक्षण कर रहे हैं पूरा इज्जत नगर से लेकर मथुरा तक, तो उसमें एक तो ट्रैक का निरीक्षण हो रहा है, ट्रैक की जो कैसी राइडिंग है वो सब देख रहे हैं, दूसरे रास्ते में बदायूं स्टेशन देखा, काजगंज देखा। काजगंज स्टेशन वैसे ठीक है, यात्री सुविधाएं पूरी हैं, कुछ माइनर कमियां मिली हैं जो बता दी गई हैं और जल्दी रेक्टिफाई होगी। सर, व्यापारियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसके लिए क्या अमल किया जाएगा आपके द्वारा? उसको एग्जामिन किया जाएगा, एक तो LHS का ही है, उसमें हम लोग भी उसका स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, कैसे उसको बनाया जाए, क्योंकि वो उसका जो 1 लाख है वो शहर के अंदर जाएगा,